नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दो बजे की बुलेटिन की शुरुआत हम करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो लखनऊ से है, जहां दंपत्ति को पासपोर्ट पाने के लिए धार्मिक अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ा। इस दंपत्ति ने लखनऊ के एक पासपोर्ट अफसर पर नाम और धर्म बदलवाने को कहने का आरोप लगाया। हालांकि आरोपी अफसर का कहना है कि गलती उनकी नहीं बल्कि दंपत्ति की तरफ से हुई है। इनकी माने तो इन्होंने अपने ही मुल्क में मजहब की मोटी दीवार को महसूस किया है। लखनऊ के इसी पासपोर्ट दफ्तर में इस दंपति से कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जो मजहबी और आपत्तिजनक थे। उनको जैसे शायद कुछ ग्रज थी अंदर, जिस वजह से उन्होंने इस तरह से हम लोगों से बात करी, और उनका बात करने का तरीका बहुत ही अटैकिंग था और बहुत ही लाउडली वो बात कर रहे थे। तन्वी सेठ का आरोप है कि वो अपने पति अनस और 6 साल की बच्ची के साथ पासपोर्ट बनवाने गई थी। ए और बी काउंटर पर उनके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई। तीसरे काउंटर पर पासपोर्ट अधिकारी विकास मिश्र बैठे थे। विकास मिश्र दस्तावेज देखने के बाद मुसलमान से शादी को लेकर अपमानित करने लगे। तन्वी ने विरोध किया तो कुछ और कर्मचारी इसमें शामिल हो गए। हद तब हो गई जब विकास मिश्र ने तन्वी से सरनेम बदलने की सलाह दिलाई। को अपना पासपोर्ट बनवाना है, अपने स्पाउस नेम में तन्वी सेठ लिखा है तो आपको अपना कन्वर्ट कराना पड़ेगा। आप गौत्र मंत्र पढ़िए, आप वरमाला पहनाइए, आप फेरे लीजिए, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आप नाम कन्वर्ट कराइए, उसके बाद आपका हो सकता है अगर आपको तन्वी सेठ से पासपोर्ट चाहिए। तन्वी और अनस का कहना है कि पहले उन्होंने विरोध किया, लेकिन जब अपमान का सिलसिला नहीं थमा तो तन्वी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी। विदेश मंत्री ने तुरंत ही क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी से मामले में दखल देने को कहा। नतीजा ये निकला कि आनन फानन में दंपति के हाथों में पासपोर्ट आ गए। जो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जो भी पासपोर्ट आवेदक हैं उनको पासपोर्ट तत्परता से और ट्रांसपेरेंट मैनर में मिले, तो मैंने पासपोर्ट ऑफिस ने वो कार्य पूरा कर दिया है। जिस अधिकारी कर्मचारी द्वारा ये घटना हुई है उनको एक कारण बताओ नोटिस इशू किया गया है, और जो भी प्रशासनिक आवश्यक कार्यवाही होगी वो हम आज ही उसको करेंगे। इस दंपति से मजहब के नाम पर बदसलूकी करने वाले ऑफिसर का तबादला कर दिया गया है, लेकिन आरोपी अफसर विकास मिश्र की भी अपनी दलीलें हैं। उनका कहना है कि दोष उनका नहीं, अनस और तन्वी का है, जिन्होंने सच छिपाने की कोशिश की। हमारे जो पासपोर्ट कार्यालय के जो सिस्टम पे वेबसाइट पे फॉर्म है, आप उस फॉर्म को देख लीजिए, आप उसमें एक कॉलम देख दिया होता है कि हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो उसमें उनको यस देना चाहिए था, और जैसे ही वो यस देती एक तुरंत हमारे यहाँ इंक्वायरी डेवलप होती है, ये सिस्टम जनरेटेड होती है, उसमें उनसे उनका प्रीवियस नाम मांगा जाता है। इस दंपति को पासपोर्ट मिल गया, लेकिन लगता है कि इस कहानी का पूरा सच अभी सामने नहीं आया है। अगर आरोपी ऑफिसर सही कह रहा है तो उसके पक्ष में सबूत भी होंगे। फिलहाल पासपोर्ट विभाग के पाले में गेंद है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। ये पूरा मामला दोनों तरफ से उठाए जा रहे सवालों की वजह से बड़ा पेचीदा हो गया है। दोनों पक्षों के बयानों से ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। कि मुझे उन्होंने जबरदस्ती, पता नहीं किस कारण उन्होंने मुझे बुला लिया, मेरे से मेरी फाइल मांगी। फाइल देखने के बाद उन्होंने कहा, अच्छा आपकी वाइफ का नाम तन्वी सेठ है, आप अपना धर्म परिवर्तन करिए और नाम चेंज करिए और गौत्र मंत्र पढ़िए एंड फेरे लीजिए, एंड तब उसके बाद ऐसा हो पाएगा। देन आई वॉज क्वाइट, मैंने कोई जवाब नहीं उनको दिया, कुछ नहीं। देन मैंने, उन्होंने भी मेरा होल्ड पे डाल करके एपी ऑफिसर को बोला, फिर एपी ऑफिसर के पास में गया, एपी ऑफिसर ने भी उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मेरा रीइशू का केस है और मेरा सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है हम दोनों के डॉक्यूमेंट्स में, मगर फिर भी उन्होंने जो भी था उन्होंने नहीं किया। जो हमारा पासपोर्ट मैनुअल कहता है, पासपोर्ट मैनुअल के आधार पे एप्लीकेंट से कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन देखनी हमारी ड्यूटी में आता है, जो मैंने किया। और एप्लीकेंट यदि कहता है कि हम नोएडा में रहते हैं तो ये हमारे लखनऊ आरपीओ के जुरिस्डिक्शन में नहीं है। सप्रेशन ऑफ फैक्ट नेम उनका किया जा रहा है, मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है। मेरे द्वारा सिर्फ जो ड्यूटी है वो यही है कि हम उनसे पूछे कि आप नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रही, जो उन्होंने किया। मतलब उनकी टोन बहुत हार्श थी और काफी लाउड थी, बिकॉज़ वो काफी हैंड जेस्चर्स यूज कर रहे थे जो कि थोड़े से इनअप्रोप्रिएट थे, और अटैकिंग थे, और काफी वो रूड थे। चिल्लाए, बल्कि वो खुद हमारे कार्यालय में चिल्लाई थी,
और उन्होंने हमको उसी समय धमकी भी दी थी कि हम सक्षम लोग हैं और हम पुलिस रिपोर्ट भी लगवा लेंगे। हम नोएडा में जरूर रहते हैं लेकिन हम लखनऊ के एड्रेस से रिपोर्ट लिखवा लेंगे और उसके लिए आपको बिटर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। और जिसकी टिप्पणी मैंने उसी समय अपने कंप्यूटर पे दे दी थी। मध्य प्रदेश में अवैध खनन करने वाले माफियाओं के आगे शिवराज सरकार जैसे सरेंडर कर गई है। मुरैना में अवैध रेत से भरे ट्रक ने एक वाहन को टक्कर मार दी और 15 लोगों को बेमौत मार दिया। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी कलेजा बैठ जाए। एक ट्रैक्टर ने एक फोर व्हीलर को ऐसी टक्कर मारी कि पूरी गाड़ी का कचूमर निकल गया, पूरा वाहन टुकड़े टुकड़े हो गया। इस वाहन में सवार लोगों का क्या हाल हुआ होगा ये सोचकर आपकी रूह भी कांप रही होगी। ये दहलाने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश के मुरैना से आई है और इस हादसे के पीछे रेत माफियाओं का हाथ है। जिस ट्रैक्टर को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं उस पर अवैध तरीके से निकाली गई रेत लदी थी। मुरैना के स्टेशन रोड पर रामगंज इलाके से गुजरते हुए ट्रैक्टर ने फोर व्हीलर को टक्कर मार दी। आपको याद दिला दें कि मार्च 2018 को भिंड में एक स्थानीय पत्रकार की हत्या हुई जिसके पीछे रेत माफिया का हाथ बताया गया। 2017 में बेतवा नदी में रेत खनन का निरीक्षण करने पर आईएएस अफसर सोनिया मीणा को जान से मारने की धमकी दी गई। अप्रैल 2015 में अवैध खनन कर निकाली गई रेत से भरे ट्रक ने एक कांस्टेबल को रौंद दिया। 8 मार्च 2012 को मुरैना में अवैध खनन के पत्थरों से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश करने पर आईपीएस अफसर नरेंद्र कुमार को रौंद कर मार दिया गया। यानी कि मध्य प्रदेश में अवैध खनन करने वाले माफियाओं का आतंक है और शिवराज सरकार उन माफियाओं के आगे बेबस और लाचार है। जिस नर्मदा घाटी के संरक्षण को शिवराज सरकार ने अपनी मुहिम बना रखा है उसी नर्मदा के पेट में अवैध खनन का कारोबार हो रहा है। गिरिराज, मुरैना, आज तक। कश्मीर में सेना को निशाना बनाने के लिए पश्चिमी यूपी से आए नौजवानों को पत्थरबाजी गैंग में शामिल किया जा रहा है। कश्मीर के पुलवामा से लौटे पश्चिमी यूपी के नौजवान ने यह हैरान करने वाला खुलासा किया है। उनका दावा है कि उन्हें पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग दी गई और पत्थर फेंकने के बदले में पैसे भी मिले। सेना आतंकियों को मारती है तो ये सेना पर पत्थर बरसाते हैं। सेना देश के गद्दारों को निपटाती है तो ये राह का रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं। गिलानी गैंग के एक इशारे पर ये खून खराबा कर सकते हैं क्योंकि इन्हें हिंसा करने की तालिबानी तालीम मिली हुई है। ये कश्मीर के खूनी पत्थरबाज हैं जिन्होंने कश्मीर में रहने वाले गैर कश्मीरियों का भी जीना मुश्किल कर रखा है। इनके इशारे पर पत्थर चलाओ वरना ये जान से मार डालेंगे। इन पत्थरबाजों का सामना पश्चिम यूपी के नौजवानों को भी करना पड़ा। ये गए तो थे रोजी रोटी कमाने लेकिन पत्थरबाजों से जान बचाने के लिए इन्हें मजबूरन अपनी ही सेना पर पत्थर फेंकने पड़े। सहारनपुर के इस लड़के की भी आप बीती सुनिए जिनसे जबरन पत्थरबाजी करवाई गई। तो काम के साथ साथ हमें परेशान करने लगे जी। बाद में 2-2.5 महीने होने के बाद हमको परेशान करने लगे जी। बागपत और सहारनपुर के इन लड़कों का आरोप है कि इनसे जोर जबरदस्ती की गई, बंदूक की नोक पर इनसे देश विरोधी काम करवाए गए, यहाँ तक कि इन्हें बंधक बनाकर रखा गया। इन्हें पत्थरबाजी की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई और जान जाने के डर से इन लोगों ने वो सब कुछ किया जो पत्थरबाजों ने कहा। ये लड़के जो कुछ भी कह रहे हैं अगर वो सच है तो सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना हो जाना चाहिए। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज के साथ दुष्यंत त्यागी, बागपत, आज तक। आज योग दिवस पर हर तरफ योग की धूम दिखी। लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने योग किया तो जैसलमेर के रेगिस्तान में बीएसएफ के जवानों का योग प्रेम भी नजर आया। योग दिवस पर जमीन से आसमान तक योग,
योग दिवस पर रेगिस्तान से बर्फ तक आसन। देश ने योग दिवस मनाया तो दुनिया ने देखा दम, लेकिन ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती हैं। 18,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में आईटीबीपी के हिमवीरों ने सूर्य नमस्कार करके योग को नई पहचान दे दी। 13,200 फीट की ऊंचाई पर भी मनाया गया योग दिवस, आईटीबीपी जवानों ने रोहतांग में किए योगासन। उधर अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में आईटीबीपी जवानों ने डिगरू नदी में योग करके एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। मुंबई में आईएनएस विराट पर जवानों ने योग करके दुनिया में भारत के सम्मान का समंदर बहा दिया। जैसलमेर में तो तपते रेगिस्तान में योग करके जवानों ने ऐसे आसन किए कि जोश का तूफान भी थम जाए। अब देखिए चलती ट्रेन में योग। दरभंगा से पटना जाने वाली कमला गंगा इंटरसिटी में योग के साथ सफर पूरा हुआ। मध्य प्रदेश के दमोह में दिखा योग का अजब जोश। एक पुलिस वाले ने पानी के अंदर लगाया योगासन। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम आज तक जय राम जय राम जय जय राम। तो योग दिवस पर आपने लोगों को अलग अलग तरह से योग करते देखा, लेकिन अब आपको लखनऊ से तस्वीर दिखाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने योग दिवस में शिरकत की लेकिन अंदाज दिखा बदला बदला। अमूमन आपको धोती कुर्ता पहने दिखाई देते हैं, लेकिन आज उन पर टी शर्ट खूब सज रही थी, लेकिन रंग वही था भगवा। अब गर्दन को पूरा पूरा घुमाना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हमारे लिए ब्रेक का है, लेकिन आगे देखिए सास बहू बेटी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।